हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, टैली प्राइम सीखने की इस सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूँ। खास बात यह है कि ये टैली प्राइम का एडिट लॉग वर्जन है, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि टीडीएस कैसे चालू करेंगे और किस तरीके से टीडीएस ऑटोमेटिक कैलकुलेट होगा। एक बार आपने सेट कर दिया उस कंपनी में तो हमेशा टीडीएस ऑटोमेटिक कैलकुलेट होता रहेगा। तो चलिए आइए इसको देखते हैं। सबसे पहले वी बटन प्रेस करते हैं, बाउचर में आ जाते हैं। देखिए टीडीएस की एंट्री कहाँ पास होती है, कभी कभी ये सवाल उठता है कि टीडीएस की एंट्री क्या हम परचेज में पास करें, क्या हम सेल्स में पास करें, किस में पास करें। तो जनरली टीडीएस की एंट्री हम पास करेंगे जनरल बाउचर में। जनरल बाउचर इसलिए क्योंकि जो एंट्री कहीं पास नहीं हो सकती है वो जनरल बाउचर में पास होती है। तो जरा सोचिए, टीडीएस ना तो परचेज होता है, ना तो सेल्स होता है, ना तो पेमेंट होता है, ना तो रिसिप्ट होता है, ठीक है, ना ही डेबिट नोट होता है, ना ही क्रेडिट नोट होता है। तो इसीलिए इसकी एंट्री जनरल बाउचर में पास करेंगे। तो आ चुके हैं जनरल बाउचर में, यहाँ पे डेबिट आ रहा है, तो डेबिट आ रहा है तो डेबिट किसको करेंगे। तो देखिए यहाँ से अल्ट सी करके एक लेजर क्रिएट करेंगे हम, और वो लेजर किसका होगा, यहाँ पे मैं करता हूँ होटल रेंट, होटल रूम रेंट कर देते हैं, रूम रेंट कर देते हैं, आर ई एन टी, ठीक है। तो होटल रूम रेंट नाम से बना रहे हैं। ये हमारा होगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ये खर्च होगा हमारा, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डाल करके यहाँ पे दिया गया इज टीडीएस डिडक्टेबल, ठीक है। तो यहाँ से यस करना है आपको, ठीक है। इससे भी पहले क्या काम करना है वो आपको दिखा देता हूँ। देखिए सबसे पहले तो आप यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली पे रहते हुए F11 की प्रेस कीजिएगा, और यहाँ पर जो टीडीएस ऑप्शन दिया गया इसको यस करके एंटर करिएगा। यहाँ पर जो आपका टैक्स डिडक्शन कलेक्शन अकाउंट नंबर है वो आप डालिएगा, उसके पहले 10 रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, ब्रांच डालना है, और यहाँ पे जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है उसकी पूरी डिटेल यहाँ पर डालते हुए इसको एक्सेप्ट करवा लीजिएगा, जिस तरीके से मैंने किया है, ठीक है। ये काम जब कर लीजिएगा तो कंट्रोल ए कर दीजिएगा, यहाँ से इतना तो कर लेना है। अब यहाँ पर आना है, अब वही एंट्री आपको फिर से पास करनी है जैसे हमने बनाया था, होटल रूम रेंट, होटल रूम रेंट। तो ये होटल रूम रेंट कर देते हैं और एंटर करते हैं, एंटर करते हैं, ये जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। तो यहाँ से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस करिएगा, एंटर करिएगा, और यहाँ से यस करिएगा, एप्लीकेबल करिएगा टीडीएस को, और एप्लीकेबल करके इसका नेचर ऑफ पेमेंट हम बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रूम रेंट करते हैं, रूम रेंट के नाम से इसका नेचर ऑफ पेमेंट बनाते हैं, एंटर करेंगे। सेक्शन क्या डालेंगे, ठीक है, सेक्शन के बारे में अलग अलग ये है, तो आप इसको देख लीजिएगा क्या सेक्शन है, मुझे क्लियरली याद नहीं है कि क्या है, तो मैं कुछ भी यहाँ पे डाल देता हूँ समझने के लिए, ठीक है। तो ये हमने डाल दिया, एंटर किया, और यहाँ पे रिमिटेंस कोड दे देते हैं 148, और यहाँ पे करते हैं 146, ठीक है, एंटर कर लीजिएगा। और यहाँ पे अगर पैन है तो 10% कटेगा टीडीएस, अगर पैन नहीं है तो भाई अधिक कटेगा। और यहाँ पे दिया गया थ्रेशहोल्ड लिमिट, एग्जेम्पशन लिमिट, तो यहाँ 50,000 करते हैं, ठीक है, 50,000 से ज़्यादा होगा तो इस पर टीडीएस कटना शुरू हो जाएगा। तो ये एंटर करके इसको एक्सेप्ट कराइएगा। अब ये एक्सेप्ट हो गया होटल रूम रेंट। अब होटल का रूम रेंट कितना दिया गया, तो यहाँ पर मान लीजिए 1.5 लाख रुपए दिए गए, ठीक है, यहाँ पे 1.5 लाख कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 1.5 लाख कर दिया हमने। अब यहाँ पे क्रेडिटर पार्टी का लेजर आएगा, तो यहाँ अल्ट सी करके बना लेते हैं जो क्रेडिटर पार्टी है, ठीक है, कृष्णा राज करके ये बनाते हैं, एंटर करते हैं। ये क्रेडिटर पार्टी है हमारी, तो सन्ड्री क्रेडिटर ग्रुप चूज करेंगे इसमें, ठीक है। तो ये संडी क्रेडिटर हो गया, एंटर करेंगे। यहाँ पर देखिएगा यस करना है आपको, इस टीडीएस डिडक्टेबल को यस करना है। और यहाँ पर ये क्या है, लोकल अथॉरिटी है, रेजिडेंस है, नॉन रेजिडेंस है, तो यहाँ रेजिडेंट कर देते हैं। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर एंटर, एंटर करके यहाँ पर देखिएगा पैन नंबर डालना बड़ा जरूरी है, तो पैन नंबर जरूर डालिएगा आप, तो पैन नंबर इनका जो भी होता हो वो जरूर डाल दीजिएगा आप, अदरवाइज ये टीडीएस डिडक्ट करने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो ये पैन नंबर डाल दिया और यहाँ पे यस कर दिया है और एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा लिया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 1,35,000 यहाँ पे आया हुआ है, ऑटोमेटिक टीडीएस डिडक्ट हो गया है। अब यहाँ पे क्या करना है, न्यू रेफरेंस करके आगे बढ़िएगा और एंटर करिएगा। यहाँ पर आएंगे तो यहाँ एक टीडीएस का लेजर बनेगा, तो टीडीएस का लेजर बनाते हैं। टीडीएस किस में जाएगा, टीडीएस जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस में। तो यहाँ पे देखिए ड्यूटीज एंड टैक्सेस का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे ये देखिए ये है, यहाँ पर ये टीडीएस है, जीएसटी नहीं है, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे रूम रेंट हमने बनाया था, तो ये लेकर के फिर आगे बढ़ेंगे, एंटर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 15,000 टीडीएस कटा हुआ है, ये इस तरीके से दिखा रहा है, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूं कि बात आपके समझ में आई होगी, ठीक है। टीडीएस डिडक्टेड ये लिख दिया हमने और एंटर करके इसे एक्सेप्ट करा लिया। तो उम्मीद करता हूं कि बात समझ में आई होगी कि टीडीएस वाली एंट्री आपको कैसे पास करनी है। अब कभी भी दिक्कत नहीं होगी, अब जब भी पास करना हो यहीं से पास कर लेंगे इस कंपनी में। तो उम्मीद करता हूं कि सारी बातें समझ में आई होंगी। वीडियो आपको पसंद आए तो उसको खूब शेयर कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।